हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे सिविल इंजीनियर के एक चैप्टर कंक्रीट मिक्सिंग डिजाइन के बारे में। कंक्रीट मिक्स कैसे किया जाता है आज अपन प्रैक्टिकली जानेंगे। तो गाइस, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा रॉ मटेरियल, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए अपने को कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। तो गाइस, जैसे कि अपने कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है कि गाइस उसके, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और एडमिक्सचर, इनको सारे को मिलाने के बाद जो घोल तैयार होता है वो एक कंक्रीट का मिक्स होता है। तो गाइस, आप वीडियो में देख रहे होंगे एक एक करके, सबसे पहले सीमेंट देन सैंड एंड एग्रीगेट। और यदि मैं हिंदी में इनका अनुवाद करूँ तो सीमेंट ये अपनी बजरी या रेता जिसे बोलते हैं अलग अलग भाषा में, जो अपने नॉर्मल बनास की या फिर नदी नालों में आराम से मिल जाती है, और एक क्रेशर वाली आती है बजरी, ठीक है। ये एग्रीगेट, एग्रीगेट में देख सकते हो अपने को, यदि एग्रीगेट के भी कई टाइप आते हैं गाइज, जैसे कि अब ये एग्रीगेट है, इसके अंदर अपने क्यूबिकल एंड वो राउंड शेप के एग्रीगेट यूज नहीं लेने, राउंड शेप के एग्रीगेट वर्केबल ज़्यादा होते हैं तो वो स्ट्रेंथ इतनी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि अपने को क्यूबिकल और एंगल वाले एंगुलर एग्रीगेट यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉन्ड और स्ट्रेंथ क्वालिटी अच्छी आती है कॉन्क्रीट मिक्स होने के बाद। तो गाइज, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन वे ऑफ डिजाइन में, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 45,000 ने जो रेशो अलाउ किया है कंक्रीट ग्रेड मिक्स डिजाइन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, M5 से लेके और M25, उसके बाद में मिक्स डिजाइन, उसके बाद में स्टैंडर्ड वो जो हाई राइज बिल्डिंगों में यूज होता है नॉर्मली, अपने RCC स्ट्रक्चर में जो यूज करते हैं M20 का रेशियो यूज करते हैं, तो M20 का रेशो 1:1.5:3, ठीक है। तो गाइज, अपन उसी अनुपात में, M20 के अनुपात में इस कंक्रीट को मिक्स करेंगे, एक पराती बोल लो या कुछ भी, तो इसमें अपन, और ये कुछ वॉल्यूम का एक बाउल है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अपन रेशो बताया था मैंने M20 का रेशो होता है IS स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, वो रेशो होता है 1:1.5:3 का, ठीक है गाइज। तो अपन एक क्या होगा, 1 बाउल लेंगे अपन सीमेंट का। तो गाइज देख दो, देख गाइज, 1 बाउल सीमेंट का, एंड सेकंड अपन लेंगे सैंड, क्या फोन आ रही है कैमरा में, और मसाला की आधे अमाउंट में बोल देंगे, आधा अमाउंट में 1:1.5:3। तो भाई ये है रोड, तैयार हो चुका है मिक्स, इसमें 1:1.5:3 M20 का रेशियो है। तो गाइस, अब इसमें अपन पानी डालेंगे,
गाइस अभी नहीं, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गाइस। इसकी स्ट्रेंथ या कुछ बड़ा एडमिक्सर और डाले जाते हैं, एडमिक्सर एक्सेलरेटर रहा, रिटार्डर रहा, अगर वगैरह मार्केट में केमिकल मिल जाएंगे वो इसकी स्ट्रेंथ को। लेकिन गाइस अपन ओनली सैंड, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का ही मिक्स कॉन्क्रीट तैयार कर रहे हैं गाइस। पानी इतना कि वर्केबल हो जाए अच्छे से। गाइस देखो M20 का जो अपन निश्चित अनुपात में बॉल से लिए थे उसमें ये बन के तैयार हो गया है। तो गाइस अब इसमें क्यूबिकल और ये एंगुलर वाले ही रोड़ी यूज करनी है, क्योंकि जो त्रिकोणीय होते हैं ना एंगल वाले होते हैं, इसमें कभी भी राउंड शेप वाले एग्रीगेट कभी भी यूज नहीं लेना, क्योंकि वो वर्केबल ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ कम प्रोवाइड करते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि अपन इस तरह से क्यूबिकल और एंगुलर वाले रेशो वो रोड़ी के साइज के यूज करें। तो गाइस ये अपना M20 का कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन तैयार हो गया। आज अपन प्रैक्टिकली में इसको करके दिखाया है, और आप भी साइट पे या अपने जो भी पर्सनल साइट है घर पे इसको करके देख सकते हो। करने का तो क्या मतलब है, लेकिन ये है कि आज एक अपन सिविल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर था, तो उसी को अपन मिक्स डिजाइन क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, किस तरह से क्या होता है, उसी को करके दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।